जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अहमद अली और आपको वेलकम करते हैं जी एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमारे पास 5 मरला का मोस्ट डिसेंट और मोस्ट अमेजिंग हाउस आ चुका है सेल के लिए जी। तो मैं बात कर रहा हूँ इस 5 मरला के ब्रांड न्यू डबल स्टोरी डिसेंट डिज़ाइन हाउस की। 25x45 इसकी डायमेंशन हैं और अकोमोडेशन की बात करें तो हमें इस घर में मिल रहे हैं जी 4 प्रॉपर बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम। लोकेलिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सिक्योर्ड और बहुत प्राइम लोकेशन पे घर अवेलेबल है। इस एरिया की कम्युनिटी बड़ी डिसेंट किस्म की है, घर की बिल्ट क्वालिटी, घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, आउट क्लास किस्म की है। अकोमोडेशन कुछ इस तरह से कि 1 बेडरूम हमें मिल रहा है जी ग्राउंड फ्लोर में और 3 बेडरूम्स हमें मिल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में। और जहाँ तक बात है इस घर की आस्किंग प्राइस की, तो मार्केट में इस टाइम पर जो 5 मरला के नए घर आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2+ में आ रहे हैं। कुछ की डिमांड 210 है, कुछ की डिमांड 225 है, लेकिन प्राइस के लिहाज से भी ये घर काफ़ी सस्ता है। तो सस्ते से मुराद ये है कि इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 1,90,00,000 रुपीज़। ऑफ कोर्स ये मज़ीद नेगोशिएबल प्राइस है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करें, आपकी इंशाल्लाह जो डील है वो डायरेक्टली करके ऑफिशियल ओनर से करवाई जाएगी, फेस टू फेस मीटिंग करवाई जाएगी और इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेस्ट प्राइस में हाउस लेके दिया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि वीडियो कंप्लीट देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चलते हैं जी जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम इस 5 मरला के डिसेंट और सस्ते घर का विजिट स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं जी हमारे सामने आ चुका है इसका खूबसूरत किस्म का और अट्रैक्टिव किस्म का फ्रंट एलिवेशन। और आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि एलिवेशन पर कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा वार्म लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक एनहेंस कर रहा है। वो बस बेसिकली टाउन हाउसेज हैं तो इनका जो एलिवेशन है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज़ रूल एलिवेशन सेम होता है, घर के अंदर आप डिफरेंट मैप बना सकते हैं। तो इसके अलावा एक तरफ हाउस कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली की लिविंग है, दूसरी तरफ प्लॉट वेकेंट है। सबसे पहले हम इसके मेन गेट की तरफ आ जाते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेन गेट फुल हाई क्वालिटी गेट है, फुल मेटेलिक गेट यहाँ पर इंस्टॉल है और कम्प्लीटली ये स्लाइडिंग गेट ऑप्शन के साथ है। बाकी इसका ये ओपनिंग डोर भी है। मजीद नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका कार रैंप रेडी है और इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट जो है वो सीमेंटेड एरिया भी अवेलेबल है, आप इजीली घर के बाहर भी कार पार्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो इस गेट के पीछे इंस्टॉल है, 3-फेज मीटर है। बाकी ग्रीन एरिया भी फुल डिवेलप करना है, फुल रेडी करना है, स्पेस रेडी है इसकी जी। तो जैसे ही घर के अंदर आते हैं हमें सबसे पहले इसका सुपर एंड अट्रैक्टिव किस्म का कार पोर्च वेलकम करता है। मेरे राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वॉल पे जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास है, साथ साथ वुडन टेक्सचर टाइलिंग का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। सामने बहुत खूबसूरत किस्म की वॉल फ्रेम है जी, जिसपे कुरान पाक की आयत मेंशन है, बैक साइड पे इसकी लाइटिंग हुई भी है। इसके बाद हम एंट्रेंस की बात कर लें तो ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये हमारी एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की। और मेरे लेफ्ट साइड पर वॉल निशेज है जिसके अंदर प्रॉपर जो है वो वुडन वर्क किया गया है वार्म लाइट्स के साथ। सीलिंग की डिज़ाइनिंग भी डिसेंट है और फ्लोरिंग की बात करें तो अट्रैक्टिव किस्म की टाइलिंग है। कार पार्किंग कैपेसिटी जो है वो ऑफ कोर्स एक गाड़ी की है। अब आते हैं साइड गली की तरफ तो पानी का जो टैंक है वो सामने आपके अंडरग्राउंड टैंक अवेलेबल है, पानी की मोटर पड़ी हुई है, बस यहाँ पे फिक्स करनी है जी। तो अब चलते हैं इसके मेन डोर्स की तरफ। फुल सॉलिड फुल हैवी डोर्स हैं, डबल डोर्स, हाई क्वालिटी डोर्स हैं। और ये हमारे पास जो एंट्रेंस डोर है वो ड्राइंग रूम का डोर है। बाकी इसके ये डबल स्टेप्स हैं ब्लैक ग्रेनाइट के। चलते हैं घर के अंदर और इस मास्टरपीस को एक्सप्लोर करते हैं। आ चुके हैं घर के अंदर, ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये चेक करें जी इसका मेन इंटीरियर, नहायत ही खूबसूरत किस्म का, नहायत ही क्लिकी किस्म का। सामने हमारे पास फुल ओपन अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम अवेलेबल है। सामने हमारी जो है वो मीडिया वॉल है, ये स्पेशियस किस्म का, अमेजिंग किस्म का हमारे पास लिविंग एरिया है। और सामने हमारे पास जो है वो ड्राइंग रूम एरिया है जो कि कम्प्लीटली ओपन है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास पाउडर वॉशरूम का ऑप्शन है। और ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ से एक्सेस जा रही है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये बेसिकली 1 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है और 3 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं। हम पहले आते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ तो चेक कर सकते हैं कि सिंपल और डिसेंट बना हुआ है। और मजीद आप डेकोरेट करना चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वॉल पैनल या वॉल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं जी सेफ्टी ग्रिल के साथ, ये सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। बाकी सीसीटीवी कैमरास की प्रोविजन है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग की हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 11 से 12 फुट की है, काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की सीलिंग की हाइट है। सीलिंग में हमारे पास रोप लाइट है और वार्म लाइट भी इंस्टॉल की गई हैं। इसके अलावा ये शैंडेलियर छोटा सा लाइटिंग कम्बिनेशन बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का है। फ्लोरिंग की तरफ आए तो हमारे पास 2x2 साइज़ की टाइलिंग यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लशपश किस्म की। और स्कॉटिंग इसकी डार्क ब्लैक कलर में है। और बाकी इसका जो है वो पार्टीशनिंग का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप इसको एज अ ओपन यूज़ कर सकते हैं।
अब ये हमारा जी ड्राइंग रूम है, सॉरी टीवी लाउंज का एरिया आ गया। ये हमारी मीडिया वॉल है, आप चेक कर सकते हैं कि लिविंग एरिया भी बड़ा स्पेशियस और बड़ा अमेजिंग किस्म का है। और इस तरफ हमारे पास कुछ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए स्पेस बनाई गई है, ये सामान टेम्प्रेरी पड़ा हुआ है। बाकी जो है वो ड्राइंग रूम की सीलिंग की, सॉरी लिविंग एरिया की सीलिंग की बात करें तो ये चेक कर सकते हैं आप जी, हाई क्वालिटी सीलिंग की डिज़ाइनिंग की गई है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी गई और सीलिंग की हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की है, नेक्स्ट लेवल किस्म की है। और लिविंग एरिया का भी जो फ्लोरिंग प्लान है, फ्लोरिंग पैटर्न है, वो सेम एज इट इज़ वही आ रहा है जो ड्राइंग रूम में है। अब आ जाते हैं घर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज़ द किचन। क्योंकि घर का जो किचन होता है वो घर का सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो किचन का ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है। और एज़ यू ऑल कैन सी कि हमारे पास ये वुडन टेक्सचर की टाइलिंग है, कंप्लीट फ्लोर पे फुल ओपन अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। रेड एंड वाइट कलर की कैबिनेट्स का जो कम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्हेंस हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि सामने वॉल पे प्लेन वाइट टाइलिंग है, यहाँ पे सीलिंग के डिज़ाइनिंग और लाइटिंग कम्बिनेशन बहुत अमेजिंग किस्म का है। बाकी जो आप डोर देख रहे हैं ये कनेक्ट हुआ बैक साइड लॉन्ड्री के साथ। ये हमारा जो डिश वॉशिंग एरिया, इसी के ऊपर हमें वेंटिलेशन के लिए दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और HS कंपनी का हुड है, Kenwood कंपनी का ब्रांड न्यू स्टोव है, काउंटर टॉप जो है वो प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट का है। किचन से आपको ये पूरा ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है। ये घर की मेन एंट्रेंस है और ये ड्राइंग रूम एंट्रेंस है जी। तो इसके बाद हम आते हैं अपने लेफ्ट साइड पे और हमें मिलता है जी हमारा फर्स्ट मास्टर साइज बेडरूम, जो कि सिंपल और डिसेंट है, बिल्कुल प्लेन पेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगेन आपको मेंशन करता चलूँ कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वॉल पैनल या वॉल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नर में हमें मिलती हैं जी 3-door वार्डरोब्स जो कि फुली कंसील्ड हैं। ये 2x2 साइज की टाइलिंग है, बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लैक स्पॉटिंग के साथ। और सीलिंग की डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये चेक करें जी, सीलिंग में हमारे पास हमें यूनिक किस्म की डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है। वार्म लाइट्स भी हैं, साथ साथ रोप लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ कॉर्नर में हमें मिलता है जी इसका अटैच वॉशरूम, सो लेट्स चेक इट आउट। ये देखें जी, वैनिटी है, वॉल कोड 20 है, वॉल में फिक्स्ड है, बाकी फैसल कंपनी की कंप्लीट फिटिंग्स हैं, कमोड आपके सामने है और ये टाइलिंग पैटर्न हाइटेड है और ये वेंटिलेशन विंडो है। तो इसी के साथ साथ हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो विजिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई गेस ये जी पाउडर वॉशरूम रहता है, सो ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं जी, स्पेस को बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया है, ये पानी की मोटर पड़ी हुई है, ये इंस्टॉल करनी है। बाकी इस वॉल पर जो है वो डार्क थीम की टाइलिंग है। सो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस हमें यहाँ से मिली है और ये एक्सेस जा रही है छत पे। छत पे 7 room अटैच वॉशरूम के साथ ऑफ कोर्स इस घर में भी अवेलेबल है। और यहाँ पे हमें मिलता है जी एक छोटा सा एक लॉबी एरिया। अब लॉबी में हमारे पास सिंपल टाइल वर्क है, सिंपल डिज़ाइनिंग है और ये लॉबी जो है हमें वो इन तीनों बेडरूम के साथ कनेक्ट कर रही है। इस बेडरूम का जो वो वॉशरूम सेपरेट है, इन दोनों बेडरूम का जो वॉशरूम है वो शेयरिंग पे है। आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें जी, एक रीजनेबल साइज़ का बेडरूम है। अब आप चाहें तो इसको किड्स रूम बना लें या फर्स्ट फ्लोर का आप गेस्ट रूम बना लें या स्टडी रूम बना लें, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बेडरूम है और एक नॉर्मल साइज़ का बेडरूम है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे वार्डरोब का सेटअप भी है जो कि फुली कंसील्ड है और इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जी इसका वॉशरूम जो कि साथ वाले बेडरूम के साथ शेयरिंग पे आ रहा है। अब हमें जी यहाँ पे वैनिटी मिल रही है, बड़े साइज़ की वैनिटी जो कि वॉल में फिक्स्ड है, टाइलिंग पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है और ये ऊपर वेंटिलेशन के लिए चीज़ें हैं। ये कमोड है, सामने मुस्लिम शॉवर है और उस साथ दूसरा बेडरूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लाइक आई सेड कि इन दोनों बेडरूम का जो वॉशरूम है वो शेयरिंग पे है। तो ये लें जी, ये अगेन नेक्स्ट बेडरूम आ गया। ये चेक करें जी, फुल मास्टर साइज बेडरूम है। आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त अमेजिंग क्लासिक किस्म की फिनिशिंग है। बाकी ये वार्डरोब जो है वो थोड़ी छोटी हो गई है, यहाँ पे अगर एक सेट और आ जाता तो ये 4-door वार्डरोब बन जाती। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये देखें जी, हमारे बेडरूम की स्पेस बड़ी ज़बरदस्त है, हमारे बेडरूम की स्पेस के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही, सीलिंग की डिज़ाइनिंग और ये सेम वही वॉशरूम है जो कि ऑलरेडी आप सबको मैं चेक करवा चुका हूँ। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। और व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि ये आ गया इस घर का लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम। ये फ्रंट साइड वाला बेडरूम है, टेरेस वाला रूम है, फुल खुला डुला जी मास्टर साइज बेडरूम है, फुल शिशका इस बेडरूम का, बड़े साइज की विंडो है। सीलिंग की डिज़ाइनिंग में हमें देख चेक करें जी, काफ़ी यूनिक वर्क देखने को मिल रहा है। वार्म लाइट्स भी हैं, रोप लाइट भी इंस्टॉल है, डार्क ब्लैक कलर का जो है वो सीलिंग फैन है। और इस रूम को भी अगर आप डेकोरेट करते हैं तो कर सकते हैं, बाकी जो है वो हर चीज़ माशाल्लाह से ऑन पॉइंट है। इस तरफ आएंगे तो ये जी हमें 2-door वार्डरोब सेटअप मिल गया, ठीक है।
और ये इसका आगे अटैच वॉशरूम। वैनिटी सेटअप खूबसूरत है, पूरे के पूरे चारों वॉशरूम में हमें जो है वो वैनिटीज मिल रही हैं इस घर में, तो क्या ही बात है, जैसा अच्छा खासा जो है वो खर्चा मारा गया है। इसके बाद ये टेरेस की स्पेस है, मैं आप सबको चेक करवा देता हूँ जो टेरेस की स्पेस। ये देखें जी, 3 स्टेप्स हैं, मार्बल की फ्लोरिंग है और ये एलिवेशन है आपके सामने, लाइटिंग कम्बिनेशन यहाँ पे रॉक वॉल यूज़ किया गया है। तो इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि हमने इस 5 मल्ला के मोस्ट अमेजिंग मोस्ट डिसेंट डिज़ाइन हाउस का विजिट कंप्लीट कर लिया है। जी व्यूअर्स, विजिट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 4 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम अवेलेबल है पाउडर वॉशरूम के साथ और छत पे 7 रूम है अटैच वॉशरूम के साथ। प्राइस और तमाम तरह इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप सबके साथ में शेयर कर चुका हूँ, बस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कॉन्टैक्ट करें और इस सस्ते इन्वेस्टर रेट हाउस की डील कर लें। इंशाल्लाह आपको बेस्ट प्राइस में ये हाउस लेके दिया जाएगा और आपकी डील इंशाल्लाह करके ऑफिशियल ओनर से करवाई जाएगी, फेस टू फेस मीटिंग करवाई जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टाइम टू साइन ऑफ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट घर की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।